आज प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों मध्य प्रदेश में थे। चित्रकूट और रीवा में प्रियंका की पब्लिक मीटिंग हुई। राहुल ने अशोकनगर और जबलपुर में कैंपेन किया। राहुल गांधी ने जो कहा वो ज्यादातर बातें पुरानी थी, लेकिन प्रियंका ने नरेंद्र मोदी पर करारे हमले किए। प्रियंका ने मोदी को सत्ता के लिए जनता को बड़े बड़े सपने दिखाने वाला नेता बताया, बड़े बड़े औद्योगिक घरानों का दोस्त और किसानों का दुश्मन बताया, और इसके बाद प्रियंका ने शिवराज सिंह चौहान पर निशाना लगाया। प्रियंका ने कहा शिवराज खुद को मध्य प्रदेश का मामा कहते हैं, लेकिन मामा तो कंस भी था। यहाँ आप जब कहते हैं भाई हमारी समस्या है, तो शिवराज चौहान जी कहते हैं मैं आपके आपका मामा हूँ, घबराओ मत, कहते हैं ना मामा जी। आप कहते हैं भाई खड़ी खेती तबाह हो रही है, वो कहते हैं कि मैं मामा हूँ, घबराओ मत, मामा जी हूँ। किसान को यूरिया नहीं मिल रही है, आप कहते हैं कि हम मामा हैं। लाखों युवाओं की उम्र बीत रही है, भर्ती की परीक्षा पे परीक्षा दे रहे हैं, कोई रोजगार नहीं मिल रहा, जवाब आपको क्या मिलता है? मामा है हम आपके। महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, लाडली है लेकिन सुरक्षा नहीं है, कम से कम सुरक्षा तो दे देते मामा जी। आदिवासियों के साथ कितना अत्याचार हो रहा है, अत्याचार पर अत्याचार हो रहा है, आप कहते हैं हम मामा हैं। घोटाले पे घोटाला हो रहा है, जहां देखो घोटाला, मुख्यमंत्री जी कहते हैं हम मामा हैं। तो बिल्कुल सही कहा आपने कि रिश्ता निभाने से बनता है, वरना कंस भी मामा थे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की तरफ से कैंपेन की कमान आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने संभाली, जबकि बीजेपी की तरफ से अमित शाह ने मोर्चा संभाला। अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में आज 4 रैलियां की। चूंकि मान्यता यह है कि भगवान राम की मां कौशल्या का जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था, छत्तीसगढ़ श्री राम का ननिहाल है, इसलिए अमित शाह ने अपनी हर रैली में प्रभु राम की बात की। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर का जिक्र किया और वादा किया अगर छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी तो छत्तीसगढ़ के गरीब लोगों को मुफ्त में राम मंदिर के दर्शन करवाएगी। और इसके बाद अमित शाह ने कांग्रेस की सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी। कहा छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार ने सिर्फ जनता को लूटा है, हर योजना में भ्रष्टाचार किया। अमित शाह ने कहा कि महादेव ऐप घोटाला तो सिर्फ एक उदाहरण है, बानगी है। घोटालों की पूरी लिस्ट जब बाहर आएगी तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनेगी। जो मुख्यमंत्री है उन्होंने ढेर सारे घपले घोटाले हजारों करोड़ महादेव ऐप से जुड़ के सट्टा खोलने का काम करा। अरे भाई शर्म करो, सम करो, कम से कम महादेव को तो छोड़ देते। हजारों करोड़ रुपए का चावल भेजे उसमें गपला, आवास भेजे उसमें गपला, कोरोना का राहत भेजा उसमें गपला, हर गांव में आज बच्चा बच्चा कह रहा है सट्टे पे सट्टा कौन करा भूपेश कप का। पूरा छत्तीसगढ़, पूरा छत्तीसगढ़ कर रहा है सट्टे पे सट्टा कौन करा है भूपेश कप का। अमित शाह ने महादेव घोटाले का जिक्र करके भूपेश बघेल पर हमला किया तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कोरिया के रैली में बघेल का बचाव किया। खड़गे ने कहा कि बीजेपी अब जनता की अदालत में हारने लगती है तो दूसरों पर झूठे इल्जाम लगाकर लोगों को बहकाने की कोशिश करती है। खड़गे ने कहा कि चुनाव के वक्त ईडी सीबीआई का काम इसलिए बढ़ गया है, कांग्रेस के नेताओं के घरों पर अफसरों की ड्यूटी लगा दी गई है, लेकिन इस सबसे कुछ नहीं होगा, जनता सब देख रही है, समझ रही है। भूपेश बघेल का बचाव करते करते खड़गे एक गलती कर गए। उन्होंने कह दिया कि चुनाव के बाद कांग्रेस की सरकार बनेगी, भूपेश बघेल फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन अगले ही पल खड़गे को एहसास हो गया कि मुंह से ये बात गलत निकल गई, तो उन्होंने खुद को करेक्ट करने की कोशिश की। कहा कांग्रेस हाईकमान जिससे तय करेगा वो पार्टी के वादे पूरे करेगा। कांग्रेस पार्टी के ऊपर
केंद्र सरकार की एजेंसियां दाग डालती है, सीबीआई को बुलाती है, ईडी को बुलाती है, इनकम टैक्स को बुलाती है, किनके ऊपर? सिर्फ ना सिर्फ कांग्रेस के वर्कर्स, कांग्रेस के नेताओं पे, उनके घर पे ये सब धाट डालते हैं। मैं पूछता हूं, वही आप बीजेपी के लोगों के ऊपर नहीं कर रहे? बीजेपी में तो बहुत पैसे वाले लोग हैं, बीजेपी में तो बड़े बड़े व्यापारियां हैं, लेकिन वो सब छोड़ के आप कांग्रेस को एक सत्ता से दूर रखने के लिए आप ये काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ खड़ी होगी, फिर से यहां पर भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बन के आएंगे, हाईकमांड जो चाहेंगे वो आएंगे, और आकर जो हम वायदे आपको किए हैं वो वायदे पूरे हम निभाएंगे, इसमें कोई शक नहीं, चाहे कोई भी हो हमारे तरफ से। असल में भूपेश बघेल कांग्रेस के सबसे मजबूत मुख्यमंत्रियों में से एक हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ में जिस तरह से सरकार चलाई, जिस तरह से चुनाव में कैंपेन संभाला, उससे लगता है कि वो जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। कांग्रेस ये जानती है कि अगर कहीं वो जीत सकती है तो छत्तीसगढ़ उसमें से सबसे पहला राज्य है। लेकिन कांग्रेस के नेता खुद बार बार कहते हैं अगर जीते तो शायद उन्हें चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया जाएगा। इसलिए आज जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये सब बातें कही तो कन्फ्यूजन और बढ़ गया। उनके मुंह से पहले निकला भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बनेंगे, बाद में वो बार बार अपने आप को करेक्ट करते रहे कि भूपेश बघेल नहीं, हाईकमान जिसे चाहेगी वही बनेगा। अब जरा सोचिए कि हाईकमान ये कह रहा है जिसे हाईकमान चाहेगी वो बनेगा। इस कन्फ्यूजन का भूपेश बघेल को नुकसान होगा।